लास्ट में हमारा कहाँ पे फंस गया था? सिम्पसन रूल पे, ठीक है। तो सिम्पसन रूल को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन ए टू बी। आप डायरेक्टली जाननी नहीं है कि क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, बस इतना काफ़ी है। अगर जैसे हमें कोई इस टाइप से ग्राफ दे दिया, ठीक है, कोई भी होगा, मैं ए से बी ले लिया, तो इनके बीच का एरिया ए हमारा एफ ए होगा, ए जो हो जाएगा डी एच, ओके, उस टाइम लिखा था एच बाई थ्री आपका ये हो जाएगा एफ एट एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है? ए एक्स नॉट हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है आपको, तीन पार्टीशन लेना होता है, तो एक्स वन और ए एक्स टू हो जाएगा। तो पहले मैं बोला फर्स्ट और एंड वाले को लिख लीजिए, तो लास्ट में आएगा यहाँ पे एक्स टू और प्लस जो बीच वाला बचा उसका 4 टाइम। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, इसको डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो जब वहाँ पर कंपोजिट था तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ कंपोजिट होगा ना, ओके। कब? जब अगर मान लो कि हमने जो भी इंटरवल लिया है इस टाइप से लिया हुआ है, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए, तो फिर इस इतना पे सिम्पसन लगेगा, फिर इस पे सिम्पसन लगेगा। तो इस पे सिम्पसन लगने का मतलब इसको भी फिर तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो जब अगर हम बहुत बड़े पार्ट में करेंगे तो उसका कंपोजिट में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कंपोजिट बोलते हैं, कंपोजिट 1/3 रूल या फार्मूला या जो भी आप मेथड जानते होंगे, तो यही हो जाएगा आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स एच बाई थ्री, ठीक है। अब इसमें ट्रिक क्या है, आपको पहला और बस कहाँ चेंज करना है, पहला और लास्ट वाला सेम लिख देना है। लास्ट वाला एन होगा, हम लोग लिख देंगे एफ एक्स, ठीक है। अब इसके बाद जो 4 टाइम्स था, 4 टाइम ले लीजिए, किसका अल्टरनेट में ऑड का ले लीजिए, एफ एक्स वन, फिर अब टू मत लीजिए, 3 लीजिए, इस तरह से करके ऑड का प्लस में। अब जो इनके बीच में होगा 2 टाइम्स होगा, जो इवन वाले बच गए, मतलब एफ एट एक्स टू प्लस एक्स फोर, इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है कंपोजिट 1/3 रूल का, ठीक है, ये फॉर्मूला है, नोट्स मिल जाएगा, उसमें सब फॉर्मूला लिखा हुआ, आपको बस जानना है क्या होता है। अब एक और है सिम्पसन में 3/8, ओके, तो उसमें भी सिमिलर है। इसमें देखो ए 1/3 एच के साथ क्या लग रहा है, 1/3 लग रहा है ना, तो इसलिए इसको 1/3 बोल रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको 1/3 था ना, अब हमारा 3/8 था, ठीक है। दो फार्मूला आपको पढ़ना है, तो क्या क्या बदल रहा है मैं डिफरेंट कलर के पेन से दिखा दे रहा हूँ। अब आपका हो जाएगा 3/8, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, कंसेप्ट समझना कि अगर ये याद रहेगा तो क्या करोगे। 1/3 से मल्टीप्लाइड था तो 1/3 बोल रहे थे, तब 3/8 है तो आप क्या करोगे, 3/8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। फिर से वहीं, अब इसमें क्या होता है, आपका एक इंटरवल और बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे तीन किए थे ना, अब जो इसमें करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसको 3 पार्ट में कर लीजिए, 4 पार्ट में, सॉरी, ठीक है, और इसको मिटा दिया। तो अब ए आपका जो कंटिन्यूटी में हम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ओके। तो ये बनेगा, इस दोनों को तो एजिट लिख लेना है, पहला और लास्ट वाले का, तो लास्ट आपका 3 था, सभी में यही काम करना है, पहले पहला और लास्ट वाले को लिख लेना है। अब इसके बाद बीच वाले पे हमें काम करना है, तो यहाँ पे जो बीच वाला हो जाएगा इसको मिटा दीजिए, वो हो जाएगा 3 एक्स टू एक्स वन था ना, तो 3 एफ एक्स वन प्लस 3 एफ एक्स टू, ये हो गया सिम्पसन 3/8 का जनरल। तो इसमें भी कुछ ना कुछ कंपोजिट होगा, तो कंपोजिट में क्या होगा, बस इतना ही बदल जाएगा, 3/8 हो गया, ओके। तो यहाँ पे हमारा 3/8 आ जाएगा, 8 हो जाएगा और ये आपका नीचे ला जाएगा। अब जो हो गया है 3/8, पहला एजिट रहेगा, दूसरा एजिट रहेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। अब यहाँ पे चेंजेज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेज होगा, क्या चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसमें दो दो काम लोग लेते हैं, क्योंकि 3 में कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं डायरेक्टली, अच्छा चलो लास्ट ईयर इसमें खरीद लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ एक्स वन पे प्लस एफ टू पे
अब जो 3 का मल्टीपल है उसको साइड कर दीजिए, वो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स F3, ठीक है, फिर आपका F4 प्लस F5, फिर जो 3 का मल्टीपल आ जाएगा F6, ठीक है, अब फिर यहाँ पे F7F, फिर यहाँ पे F9, इस टाइप से चलते जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके कंपोजिट 3/8 रूल का। ये तीनों काफ़ी है यहीं तक। अब इसके कुछ मैं बेनिफिट्स बता दे रहा हूँ। जैसे सिम्स ट्रेपजोइडल में क्या हो रहा था, आपका 1 डिग्री के लिए एग्जैक्ट हो रहा था, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है सिम्पसन्स 1/3 और दूसरा है सिम्पसन्स 3/8। इस केस में भी कुछ होगा, इस केस में भी कुछ होगा, ओके। जब आप सिम्पसन 1/3 लोगे तो इसमें क्या होगा, इंटरवल हमेशा इवन नंबर में डिवाइडेड होगा, ओके। वहाँ पे क्या था, हमने इस टाइप से लिया था, इसको 2 भाग में डिवाइड किया था, ठीक है, एक ए हो गया, ए हो गया। सिम्पसन 1/3 जब भी लगता है हमेशा इंटरवल इवन नंबर में डिवाइडेड होता है। तो ये भी आपको काम करेगा कहाँ पे, जहाँ पे इंटरवल मान लो कुछ डिस्कार्ड करना, मन आप देखोगे कि मान लो 3 पार्ट में डिवाइड किया है और बोल रहा है कि सिम्पसन रूल से होगा वो होगा वैल्यू फलाना ढिकाना, इस टाइप से बात कर रहा है, तो सिम्पसन तो कभी भी लगता है तो इवन नंबर में डिवाइडेड होता है, इसका मतलब डायरेक्टली डिस्कार्ड हो जाएगा, वहाँ सिम्पसन रूल लग ही नहीं रहा है 3/8, ओके। तो इस टाइप के कुछ ट्रिक्स हैं जो काम करता है, ओके। बाकी एरर वगैरह आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, नेट में तो ऐसे नहीं पूछा हुआ है, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम क्लियर हो जाएगा, ओके। एक चीज़ और है, जब पोलिनोमियल हमारा कोई भी पोलिनोमियल है जिसका डिग्री लेस देन 3 है, इस पोलिनोमियल के ये दोनों ही एग्जैक्ट आंसर देते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट देते हैं, ठीक है। अगर इस रूल से हम सोल्व करें, कोई भी पोलिनोमियल जो 3 डिग्री लेस देन इक्वल टू का है, मतलब 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इसमें ये दोनों ही फॉर्मूला क्या देते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट कर लीजिए या फिर एग्जैक्ट आंसर देते हैं, ठीक है। और इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहें तो जो सिम्पसन मैं ऐसी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जो 3/8 है ये आपके सिम्पसन 1/3 और ट्रेपजोइडल, ठीक है, दोनों से ही बेटर काम करता है, बहुत अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट देता है इन दोनों के कंपेरिजन, ठीक है। और इन दोनों में देखा जाए तो ट्रेपजोइडल तो सबसे लीस्ट हो गया, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, और इसमें इंटरवल हम 3 डिवाइड कर रहे हैं तो और एक्यूरेट देगा। तो इसको इन जनरल देखें तो इस टाइप से होता है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ए देता है, इसके बाद एक्यूरेट ए देता है, इसके बाद एक्यूरेट ए देता है, ठीक है। 1 डिग्री पे तीनों इक्वल दे देंगे क्योंकि ये तो सबसे छोटा, जब इस पर एक्यूरेट हो गया और इससे ज़्यादा भी ये दोनों एक्यूरेट दे रहे थे तो अभी ऐसी बात है कि तीनों एक्यूरेट दे देंगे 1 डिग्री पे। अब 1 डिग्री से ज़्यादा की बात करें हम लोग तो 3 डिग्री तक, 3 डिग्री तक ये दोनों एग्जैक्ट देंगे, ए एरर देगा। अब 3 डिग्री से ऊपर बढ़े तो फिर इस टाइप होगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा करेक्ट आंसर देगा, ये उससे कम करेक्ट देगा, या बहुत ही कम करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। और ट्रेपजोइडल रूल होता है वो किसी भी इंटरवल, सिर्फ इंटरवल पर ही लगता है जहाँ सिंगल दिया रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा था 1/3 में हम लोग क्या कर रहे थे, इवन में डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे देखिए 3 के फॉर्म में डिवाइड किए, 1, 2, 3, तो जो सिम्पसन 3/8 में करते हैं हम इंटरवल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस इतना ही से रिलेटेड पूछा हुआ था, आप लोग क्या करेगा, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा एक बार अपने से देखिएगा।